हर हर महादेव। जय हो भोले बाबा। हमारे प्रशिक्षुओं को बहुत अच्छा नंबर से पास कराएं, यह काशी नगरी आपके साथ है। हर हर महादेव, जय शंभु, नारा लगाइए, सबके साथ अच्छा होगा। यह क्लास हम आपको बता देते हैं, सुबह जो क्लास हुआ था मैथ का, उसको अगर नहीं देखें तो देख लें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका एक भी नंबर दाएं बाएं नहीं जाएगा। कल हमने SST पे पूरे तरीके से उसके सिलेबस पे चर्चा करा था। आज पहला टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका। भले ही क्रम से ना हो, लेकिन हर एक टॉपिक हम 20 दिन के अंदर, 20 से 25 दिन के अंदर ख़त्म करेंगे। बस आप लोग साथ बना के रखिए, जितने ज़्यादा व्यूज आएगा उतने मोटिवेशन हमको मिलेगा। आपका सिर्फ एक दायित्व है, हमारा तो सारा दायित्व है कि आपका एक नंबर भी छूटने ना पाए पेपर में। आपका दायित्व है कि यह वीडियो हर एक अभ्यर्थी के पास जाना चाहिए, इस बार किसी का बैक लगने ना पाए। जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, और सारे क्लासेस जो UPTET के हैं उसका लेक्चर दिया गया है, एक तरह से प्लेलिस्ट बना के दिया गया, आप देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आएंगे तो सारे UPTET के क्लासेस, सारे DLED सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, और मतलब कि अन्य क्लासेस जो इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सब प्लेलिस्ट में पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं। धुआंधार पढ़ाई करेंगे, ठंडी का मौसम है, आराम से रजाई फजाई ओढ़ के, एग्जाम आ गया है भाई, 9 से 28 के बीच में लगे रहिए। यह क्लास डेली 3 बजे होती है, 3 PM पर, ना दाएं ना बाएं। कभी काल के सिस्टम में अगर हो जाते हैं कुछ मिस्टेक्स तो आप दाएं बाएं हो सकते हैं 5-10 मिनट, अन्यथा कंडीशन में 3 बजे फिक्स है। तो डेली कहीं भी रहें 3 बजे आ जाएं, अपना बेल आइकन भी क्लिक कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, अन्यथा रात में जो देखते हैं बच्चे वो रात में देखेंगे, अपना जब भी खाली होंगे देख लेंगे, अन्यथा कंडीशन में आप बेल आइकन पर जरूर क्लिक करेंगे, जितने अपडेट आते हैं उसे भी आप देखेंगे। तो आज हम पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर, पॉलिटी में बहुत विशेष तौर पे हम चर्चा करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक टॉपिक लेके चलेंगे समय से पहले, 10 दिन पॉलिटी के, 10 दिन पॉलिटी, 10 दिन इतिहास, हम लेके एक तरह से प्रोग्राम बना कर रखें, अन्यथा 15 दिन इतिहास हो जाएगा, इतिहास थोड़ा सा वास्ट है, और पॉलिटी 10 से 11 दिन बस यही चलेगा, या फिर उससे पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इससे कोई भी ऐसा प्रशिक्षु न हो जो कि अवगत नहीं होगा, हमें पता है। कार्यपालिका, पहले यह बात कर लेते हैं, हमारे भारत में सबसे पहले संसदीय व्यवस्था अपनाई गई है। आपको पता होना चाहिए संसदीय व्यवस्था हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं। जो चीज़ें हमने कहाँ से लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अपने, वो सारी चर्चा करेंगे, हर एक भाग, हर एक अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है। बस क्रम से जैसे आपके सिलेबस में है हमने वैसे स्टार्ट किया। हमारा भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उसको हमारे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका जो है, वैसे कार्यपालिका विधायिका को मिला के संसद का निर्माण, संसद है हमारा, संसद में जो वैसे सारी चीज़ें हैं हम बात करेंगे एक एक चीज़ पर। हमारे संविधान में 3 तरह से कार्य करने वाले प्रणाली हैं जिन्हें हम विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के रूप में जानते हैं। पहले मोटा मोटी समझ लेते हैं। तो विधायिका जो होता है इसका मतलब यह है कि सिर्फ ये विधेयक लाएगी, इसकी पूरी की पूरी शक्ति विधेयक बनाने में जाती है, ये विधेयक बनाते हैं ये लोग जो विधायिका के अंदर कार्य करते हैं, और कार्यपालिका जो विधेयक बन के आता है उसे लागू कराता है, साफ साफ मुद्दा। और जो कार्यपालिका, न्यायपालिका या फिर विधायिका द्वारा जो चीज़ें विधेयक बनाई जाती हैं, विधेयक लाई जाती हैं और कार्यपालिका में पारित कराया जाता है, लागू कराया जाता है, उसको अगर उस पर, उसको बनाए गए कानून पर अगर कोई उल्लंघन होता है तो उसे सजा देने का, उसको उसके उसको लेकर न्याय दिलाने का काम किसके पास, इसकी शक्ति होती है न्यायपालिका के पास होती है। बस इतना मोटा मोटी अगर आप समझ लिए तो आगे चलते हैं। विशेष तौर पर कार्यपालिका से हम शुरुआत करें, देखिएगा भाई, लिख लीजिएगा, कितने प्रशिक्षु का कहना था सर दिखाई नहीं देता, तो आप लोग समझ लेंगे तो बहुत सारे अच्छे लैंग्वेज में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कार्यपालिका, ध्यान समझिएगा, जो कार्य को चलाते हैं हमारे यहाँ, आपको पता है कि हमारे यहाँ 2 स्तर पर कार्य होते हैं, एक राज्य स्तर पर चलता है, एक केंद्र स्तर पर चलता है। तो अगर बात करें कार्यपालिका, एक राज्य स्तर पर चलता है, राज्य स्तर पर, राज्य पहले केंद्र की बात कर लेते हैं, केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर होता है, राज्य स्तर पे होते हैं। अगर केंद्र स्तर की बात करते हैं तो केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति, आपको पता है बहुत सारे अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति एक अलग टॉपिक है आपका, प्रधानमंत्री एक अलग टॉपिक है, उपराष्ट्रपति एक अलग टॉपिक है आप में, तो उसको हम पढ़ाएंगे अलग अलग। विशेष तौर पर हम केवल और केवल 3 बातों पर चर्चा करना चाहते हैं अभ्यर्थियों, आप बस इसको देखते चलेंगे। हम बात करें केंद्र स्तर पर,
राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल कर लीजिए, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल जितने मंत्रीगण होते हैं हमारे, जितने एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। एमपी का मतलब जो राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होते हैं उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी कि हमारे संसद, सांसद जिसे बोला जाता है। सांसद का मतलब राज्यसभा, केंद्र सभा, मतलब कि लोकसभा, राज्य और केंद्र, लोकसभा, यह दोनों मिलकर संसद होते हैं। और संसद के अंग की अगर बात करें तो दूसरी चीज हो जाती है। संसद के अंग तीन होते हैं, एक राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होता है और लोकसभा भी होता है। लोकसभा को निम्न स्तर बोला जाता है और राज्यसभा को उच्च स्तर के रूप में जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट को लेकर बात करें तो प्रेसिडेंट पूरे राज्य में नहीं, अगर केंद्र स्तर पर ही नहीं, पूरे राज्य स्तर पर देखें तो हमारे प्रेसिडेंट कार्यपालिका के नजर से सबसे उच्च पदाधिकारी होते हैं, सबसे उच्च पद होता है इनका। बस इसे याद रखना, राष्ट्रपति के अंदर पूरी शक्तियाँ होती हैं, आपको पता है, कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति इन्हीं के अंदर होती है। अगर यह प्रधानमंत्री को भी यही चयन करते हैं, प्रधानमंत्री इनके शपथ दिलाने के बाद यह पद पर अपने कार्यरत होते हैं, उस पार्टी के नेता को यह शपथ दिलाते हैं जो पार्टी विजेता होती है, आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री भी इनके प्रसाद प्रयत्न पद पर रहते हैं, कहने को तो 5 साल होता है लेकिन जब तक यह चाहते हैं तभी तक रहेंगे। अगर प्रधानमंत्री बोलेंगे आज लोकसभा विघटित हो जानी चाहिए तो लोकसभा विघटन हो जाएगा, समय से पूर्व, 5 साल से पूर्व अगर विघटन होगा तो हो जाना चाहिए। वैसे आपने इतिहास में बहुतों बार देखा है कि कितनी बार हुआ है, 1996 की बात कर लें, 1998 की बात कर लें, जिस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उस समय 13 दिन 13 महीने, इस तरह बहुत सारे समय, अगर इंदिरा गांधी के समय की बात कर लें तो बहुत सारे समय जो राष्ट्रपति थे वो प्रधानमंत्री के कहे गए अनुसार लोकसभा को विघटित किए हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे गुणागणित होते हैं नेताओं के। तो राष्ट्रपति का काम होता है कि कार्यपालिका भी स्तर पर और विधायिका के स्तर पर भी कार्य करना, दोनों चीजें हम समझाते हैं बेहतरीन तरीके से, बस समझते चलिए। राष्ट्रपति का काम होता है, राष्ट्रपति की शक्ति वहीं तक सीमित है जहां तक प्रधानमंत्री चाहेंगे। अगर प्रधानमंत्री कोई विधेयक पारित कराते हैं हमारे लोकसभा में, राज्यसभा में, और उस पर कार्यपालिका का जो हस्ताक्षर होता है, लागू, कार्यपालिका की बात होती है, वह हमारे राष्ट्रपति के तौर पर, राष्ट्रपति का लास्ट मोहर लगता है तो बिल बनता है। आपको पता है जो भी बिल बनते हैं सबसे पहले वो विधेयक कहे जाते हैं, विधेयक के बाद जब तक वह उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है तब तक वह बिल बिल ही रहता है, मतलब कानून नहीं बनता है। विधेयक यानी कि बिल, एक तरह से कागज, जब तक उस पर सिग्नेचर या फिर मोहर नहीं लगता है राष्ट्रपति का, तब तक वह हमारा विधेयक ही रह जाता है या फिर कोई कानून नहीं बनता है। तो इस तरह से जो सबसे, और इस कोई भी कानून बनाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो होता है हमारे प्रधानमंत्री जी का होता है, जो देश के मुखिया होते हैं, आपको पता होना चाहिए। अगर देखा जाए वास्तविक शक्ति, वैसे देखा जाए तो एक तरह से मान लिया जाए कि जो शक्तियां हैं, जो छुपा रुस्तम, जो दिखावटी शक्तियां हैं, वो हमारे राष्ट्रपति के पास हैं। कोई भी देश विदेश में कुछ भी साइन हो, कोई भी बड़ा बिल या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर साइन होता है तो हमारे राष्ट्रपति के नाम पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। वो राष्ट्रपति के नाम पर ही होता है क्योंकि राष्ट्रपति एक प्रकार का देश का राजा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से वास्तविक जो शक्ति होते हैं, वास्तविक शक्तिमान जिसे कहते हैं, देश के वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, जैसे देश, हमारे घर की ही बात कर लें तो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं, उनसे सलाह मशवरा हम सभी लोग लेते हैं लेकिन मानते हैं, करते हैं, अपने मन का करते हैं, जिसको जो मन चाहता वो करता है। इसी तरह प्रधानमंत्री के नियंत्रण में अगर बात करें, कार्यपालिका के स्तर पर प्रधानमंत्री के नियंत्रण मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद में केंद्रीय स्तर पर भी केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं, ये तीनों मंत्री होते हैं। और यह क्या होते हैं, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इसका स्ट्रक्चर एक अलग मंत्रिमंडल का चैप्टर है, आप में उसको पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ दो प्रकार के कार्यपालिका डिवाइड है। कौन कौन से कार्यपालिका डिवाइड है, ध्यान सुनिएगा। अस्थाई कार्यपालिका, अभी हम राज्य स्तर पर बात करते हैं, कार्यपालिका दो तरह से डिवाइड है, कौन कौन भाई, एक अस्थाई की बात कर लेते हैं मित्रों, थोड़ा देखिएगा, अस्थाई और एक अस्थाई, दो प्रकार के कार्यपालिका केंद्र स्तर पर डिवाइड है। केंद्र क्या, राज्य स्तर पर भी वही चीजें हैं जो केंद्र पे लागू होंगे। और राज्य की बात कर लेंगे तो राज्य में क्या आ जाएंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री,
मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद जो यहाँ पर राज्यपाल होते हैं, इनकी नियुक्ति, इनकी जो चयन होता है वह राष्ट्रपति द्वारा केंद्र के, एक तरह से क्या होते हैं भाई, केंद्र के चहेते होते हैं, कर ये प्रतिनिधित्व करते हैं केंद्र का, वो भी राष्ट्रपति का सीधा प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे राज्यपाल। राज्यपाल के हाथ में बहुत सारे ऐसे कानून नहीं होते हैं, अभी बहुत सारे ऐसे कारनामे कार्य नहीं कर सकते जो केंद्र न कहे। केंद्र के बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारे कारनामे होते हैं जो बिना केंद्र के आदेश से यह नहीं कर सकते हैं, और एक तरह से कह लीजिए कि यह निगरानी करते हैं राज्यों में, कि राज्यों में आखिर क्या हो रहा है, और जो चीज़ें राज्य स्तर पे होती हैं अब केंद्र स्तर के लिए लाभप्रद न होती हैं, क्योंकि यह केंद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये राष्ट्रपति को सूचना देते हैं यहाँ पर ऐसा कार्य हो रहा है जो केंद्र स्तर के लिए अवमान्य है या फिर इस राज्य में नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद 356, 352, 360 की सूचना आपको पता होगा, जो राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रपति शासन है, वित्त आपातकाल है, इसकी चर्चा हम करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अब इसी तरह अगर राष्ट्रपति हमारा, एक तरह से वास्तविक शक्ति इनके पास नहीं होती है, सिर्फ दिखावटी शक्ति होती है, और उसी तरह अगर बात करें हमारे प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है केंद्र स्तर पर, सेम क्राइटेरिया सेम फॉलोस, जैसे यह है एज इट इज यह भी रहेगा हमारा राज्य स्तर पर भी। अगर बात करें राज्यपाल सारे काम कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ भी दिला सकते हैं, मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाते हैं, और मुख्यमंत्री जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते हैं, उसी तरह राज्यपाल के प्रसाद पर मुख्यमंत्री जी रहते हैं। केंद्र में अगर देखें चयन करने का काम तो राष्ट्रपति का होता है, लेकिन इनको शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट के उच्च जज का होता है, हाई कोर्ट का जो उच्च जज होते हैं उनका होता है। जैसे राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाने का कार्य करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी राज्यपाल को शपथ दिलाने का काम हाई कोर्ट के मुख्य जज करते हैं, आपको बताना चाहिए। और सेम राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास भी वास्तविक शक्ति नहीं होती है, मुख्यमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है, बिना मुख्यमंत्री के कहे ये कोई भी साइन या फिर सिग्नेचर नहीं करेंगे, लेकिन जो भी राज्य में जो भी विधेयक पारित होगा सब पे इनका सिग्नेचर होगा, और जो भी कानून बनेगा सब पर राज्यपाल का सिग्नेचर होगा, समझ रहे हैं ना, वही बुजुर्ग वाली कहानी हो गई। और मंत्रिपरिषद का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर होते हैं राज्य में, और प्रधानमंत्री जो होते हैं मंत्रिमंडल के नेता होते हैं, पूरी की पूरी मंत्री यानी कि एमपी की बात कर लें, एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, जो पक्ष जीती हुई होती है वो इनके कार्य, इनके अनुसार कार्य करती है। सेम ये हमारी हो गई कार्यपालिका। अब इसमें भी दो होते हैं, अगर बात करें एक अस्थाई होता है एक अस्थाई होता है। अस्थाई का मतलब हुआ वैसे पदाधिकारी जो आईएएस होते हैं, आईएफएस होते हैं और आईपीएस होते हैं, जो बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी होते हैं जो सीधे कार्यपालिका में कार्य करते हैं, इनका वेतन या वेतनभोगी होते हैं, इनका वेतनभोगी मतलब कि ये 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट दे देंगे, और प्लस ये वेतनभोगी होंगे, इनका मंथली वेतन फिक्स होगा कि इससे ज़्यादा इनके खाते में नहीं जाएगा। और जो 60 साल पे अपना इस्तीफा मतलब एक तरह से हट जाएंगे अपने पद से, ऐसे पदाधिकारी, ऐसे उच्च अधिकारी आते हैं अस्थायी पद पर। और अस्थायी पद ऐसे पदाधिकारी, ऐसे नेतागण जो सारे के सारे एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ये सब इसमें आ जाते हैं, हमारे राष्ट्रपति। और अगर राज्य में देखें तो राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल पूरा का पूरा और मंत्रिपरिषद पूरा का पूरा, यह पूरी की पूरी संरचना हमने बताया आपको कार्यपालिका की। अब आते हैं हम किस पे, विधायिका की तरफ। ध्यान से सुनते रहिएगा सारी चीज़ें, आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। इसके बाद दोनों कार्यपालिका विधायिका को हम मतलब एक तरह से बताएंगे कि क्यों अलग हैं और क्यों सेम हैं, अलग तो नहीं है खैर, सेम क्यों है, सारी बातें चर्चा करेंगे, और लास्ट में न्यायपालिका। अब देखते हैं विधायिका, आप किसी भी एग्जाम को देंगे बस इसको देख कर जाइएगा, कोई सब एग्जाम डीएलएड ही नहीं, किसी भी एग्जाम की बात कर लें हम, आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही इससे लाभप्रद आप संतुष्टि पाएंगे इस वीडियो से। कभी भी कंफ्यूजन हो कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका में खोल कर देख लीजिए। अगर विधायिका की बात करेंगे, विधायिका दो तरह से होती है, केंद्र स्तर पर होती है, एक तरह से बात करें राज्य स्तर पर होगी, राज्य स्तर पर होगी विधायिका। केंद्र स्तर पर एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, और राज्य स्तर पर बात करेंगे तो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। और केंद्र स्तर पर एमपी को हम क्या कहते हैं, सांसद कहते हैं, सांसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर क्या कहते हैं भाई, विधायक, क्या कहते हैं भाई, विधायक कहते हैं, विधायक कहते हैं, विधेय से बना है विधायक, है ना, विधेय से बना है विधायक, इस चीज को याद रखना। अब पहले केंद्र स्तर पर बात कर ले, केंद्र स्तर पर संसद, संसद में लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा, थोड़ी सी बात कर लें लोकसभा के ऊपर। लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है,
राज्यसभा हमारा उच्च सदन होता है। आर्टिकल नंबर की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा है और 80 में राज्यसभा है और 79 में संसद है, मतलब संसद हमारा आ जाता है, यह चीज़ याद रखना भाई। इसी तरह अगर इसी क्रम में बात करते हैं लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल के लिए होता है, यह विघटित हो सकता है 5 साल के पहले भी, और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है 6 साल के लिए होता है, यह विघटित नहीं हो सकता। इसके जो मेंबर होते हैं 6 साल के लिए होते हैं और हर 2 साल पे 1/3 मेंबर सेवानिवृत्त होते हैं, यह बात याद रखना भाई, ठीक है ना। और इसमें आपको पता है मैक्सिमम संख्या होती है 552 और इसमें मैक्सिमम संख्या होती है राज्यसभा में 250, ठीक है भाई, ये सारी बातें आपको पता होगा। अब ध्यान से हमारी बातों को सुनना, जैसे राज्य स्तर की बात कर लेते हैं, राज्य स्तर पर भी जिस प्रकार से यहाँ पर लोकसभा है वैसे यहाँ पर विधानमंडल है, सॉरी विधानसभा है निम्न स्तर में विधानसभा, और उच्च स्तर पर विधान परिषद। विधान परिषद कितने राज्यों में है तो बताएंगे, अभी 7 राज्यों में था जम्मू कश्मीर का, जब से यूटी बना है लद्दाख तब से जम्मू कश्मीर में विघटित हो गया है और यह अब मात्र 6 राज्यों में बचा है। किस किस राज्यों में? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधान परिषद है और इन दोनों को मिलाकर विधानमंडल बनता है, आपको पता होना चाहिए विधानमंडल बनता है, ठीक है भाई। राज्य स्तर पर बात करेंगे विधानसभा विधान परिषद, जो विधान परिषद होता है सॉरी विधानसभा होता है, यह विधेयक का कार्य करती है जब तक यह हमारे अपने कार्यालय अपने मतलब अपने कार्यपालिका में नहीं होती है, मतलब अपने तरह से जो इनकी कार्यपालिका शक्ति होती है ये विधायिका के रूप में भी देखी जाती है। हम सारी बातें आपको क्लियर करते हैं। लोकसभा राज्यसभा अगर बात करें भाई, लेकिन अगर इसमें 1/3 ये सारी चीज़ से समझ में आ गई, अगर इसमें अंग की बात करेंगे, लोकसभा के अंग की बात करेंगे, अभी संसद के अंग की बात करेंगे, संसद के अंग की बात करेंगे तो लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति भी यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ध्यान समझना, अगर संसद की बात करेंगे तो राज्य लोक और राष्ट्र, ये हो गया ऐसे व्यक्ति जो राज्यसभा में लोकसभा में रहकर कार्य करें, ऐसे व्यक्ति जो राज्यसभा में लोकसभा में या फिर विधानसभा में विधान परिषद में रहकर कार्य करें, विधेयक या फिर बिल पारित करवाएं तो उन्हें कहा जाता है भाई ये विधायिका का कार्य कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति ही होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का लास्ट में सिग्नेचर होता है ना, प्रधानमंत्री, पीएम और प्लस हमारे मंत्रिमंडल जितने होते हैं मंत्रिमंडल, जब तक यह लोग यह सारे की सारी संरचना राष्ट्रपति, लास्ट में इनका साइन जरूरी होता है, और पीएम की बात कर ले, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इन तीनों की मिलीभगत से विधायिका बनती है, मतलब विधेयक बनता है विधेयक, ये चले जाते हैं लोकसभा में राज्यसभा में पारित करवाते हैं, अगर वहां से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करा देता है, वह बिल बन जाता है। जब तक यह लोग लोकसभा और राज्यसभा में कार्य करते हैं तो उन्हें बोला जाता है भाई ये आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर विधायिका का कार्य कर रहे हैं, विधेयक बनवा रहे हैं। और जब ये अपने मंत्रालय में बैठ के कार्य करते हैं, तीनों लोग जो मंत्रालय में बैठ के कार्य करते हैं अलग अलग मंत्रालय में बैठ के कार्य करते हैं तो बोला जाता है ये कार्यपालिका के नज़र से देख रहे हैं, कार्यपालिका, इन्हीं को कार्यपालिका कहा जाता है। तो ऐसे में अगर बात करें कार्यपालिका और विधायिका, ये तो दोनों सेम है, सेम जैसे हमारा लोकसभा केंद्रीय स्तर पर हुआ उसी तरह राज्य स्तर पर बातें होती हैं, विधानसभा हो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे राज्यपाल हो, यह तीनों लोग अगर किसी विधेयक को पारित करा देते हैं, बिल बन जाता है तो हमारे विधायिका के अंतर्गत आएगा, लेकिन यही तीनों लोग अगर अपने मंत्रालय में बैठकर कार्य करेंगे तो कार्यपालिका की नजर से देखे जाएंगे। सेम कंडीशन यहां पर केंद्र में भी था, राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो प्लस मंत्री मंडल हो हमारा, अगर यह लोग किसी कानून को किसी बिल को किसी विधेयक को पारित कराते हैं, पारित कराने के लिए मशक्कत करते हैं, जैसे आपको पता होगा हमारे बहुत सारे मंत्रीगण हैं, हमारे चंगू मंगू जी भाई, हमारे अमित शाह जी और देश के रखवाले देश के मुखिया हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन लोग का इतना अच्छा मिलीभगत होता है, बहुत जोड़ा बहुत सुंदर लगता है देखने में, और यह लोग विधायिका भी कार्यपालिका भी, जैसे कि बात करें हमारे राजनाथ सिंह जी जो आपके सेनाओं का नेतृत्व करते हैं,
जो आपके वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, अब आपको पता है जो आपके शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इस समय इस तरह बहुत गजेंद्र सिंह शेखावत जी जल मंत्री हैं। तो ये सारे के सारे मंत्रीगण अगर लोकसभा राज्यसभा में कोई विधेयक पारित कराते हैं तो यह विधायिका के नजर से देखे जाएंगे। अगर यही सारे लोग अपने कार्यालय में अपने मंत्रालय में कोई कार्य कर रहे हैं मंत्रालय में हैं तो उनको कार्यपालिका के नजर से देखा जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमको साफ साफ समझ में आ गया कि जो हमारे विधायिका होते हैं वही हमारे कार्यपालिका भी होते हैं। लेकिन अगर न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, आपको हमने बताया है। अगर आपने पॉलिटी का वीडियो अलग से देखा नहीं है तो देख लेंगे, अगर ना भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे यहाँ पर, अलग से प्लेलिस्ट बनाया गया उसका, उसमें पॉलिटी ही है बस। आर्टिकल नंबर 50 जो कि आपके डीपीएसपी भाग 4 में आता है, भाग 4 में 12 से लेकर अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 लेकर अनुच्छेद 51A तक, 51A अलग हो जाता है, 51 तक पूरे के पूरे अनुच्छेद हैं। उसमें आर्टिकल नंबर 50 जो आता है उसमें साफ साफ ये बातें कहेंगे। आर्टिकल नंबर 49 में मॉन्यूमेंट्स के सुरक्षा के लिए बात किया गया, आर्टिकल नंबर 51 को देश की शांति के लिए बात किया गया, लेकिन आर्टिकल नंबर जो 50 है इसमें साफ साफ यह कहा गया है कि जो हमारे न्यायपालिका होगी वो बिल्कुल स्वतंत्र बॉडी है कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका से। क्योंकि अगर न्यायपालिका में कोई कार्य होता है, न्यायपालिका में तीन बॉडी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, न्यायपालिका की बात कर लें, ध्यान सुनिएगा, न्यायपालिका में सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, फिर उसके नीचे होता है भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय, जिला स्तर पर न्यायालय होता है। अब ध्यान सुनिएगा, अगर कोई भी जैसे कि बात करें, अगर आपके हनन होते हैं आपके राइट के, जो आपके फंडामेंटल राइट हैं भाग तीन में जो हनन होता है भाग तीन के आपके फंडामेंटल राइट का, तो अगर आपका कुछ भी उसमें आर्टिकल नंबर 21 के थ्रू आपको आज़ादी, आपको स्वतंत्र रूप से आपको जीने की आज़ादी है, और आर्टिकल नंबर 32 में आपको यह कहा गया है कि 5 प्रकार की रीट आप लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपके 5 प्रकार की रीट आपको दिया गया है कि अगर आपके राइट के राइट को लेकर हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, चाहे आपके साथ कोई नेता परेता हो, किसी प्रकार का कोई भी आपके राइट का हनन हुआ हो तो आपको 6 राइट भी दिए गए हैं न्याय संबंधी, संस्कृति संबंधी, इस तरह के 6 न्याय हैं। 7वां जो था उसको हटा दिया गया है, संपत्ति को लेकर अधिकार था लेकिन वो अब नहीं रहा, वह एक तरह से हमारा कानूनी अधिकार हो गया है, आपको पता होना चाहिए। मतलब कि न्यायपालिका सिंपल से अगर बात करें, अगर ऊपर से नीचे की बात करें, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है भाई ये हमारा जो न्यायपालिका है ये एक प्रकार का स्वतंत्र बॉडी है, एक तरह से अपनी नज़र से सोचती है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। आर्टिकल नंबर 50 के थ्रू इसको अलग किया गया है, यह चीज़ बताएंगे। यह एकीकृत होता है, एकीकृत का मतलब एक स्वतंत्र बॉडी जो कि सीधा नीचे से ऊपर की तरफ कार्य करती है। अगर आपको सबसे पहले जिले में अगर कोई कोई अगर आपका हनन कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, आपके साथ अपराध हो रहा है, तो आप सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप सूचित करेंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर उसके बाद लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। यही होता है उच्चतम न्यायालय, या फिर यह सबसे बड़ा न्याय का काम करते हैं न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस समय मुख्य न्यायाधीशों की पद जो है, बात करें मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में है वो 33 हो चुके हैं, 33+1 जो हैं आपके मुख्य न्यायाधीश और 33 जज हैं, और इसमें शायद तीन महिला भी हैं, आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें रही, अगर आपको समझ में आया हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका में कुछ भी नहीं है, इतने याद रखना, कार्यपालिका विधायिका एक है और न्यायपालिका स्वतंत्र बॉडी है। विधायिका जो है वो विधेयक पारित कराती है अपने लोकसभा में राज्यसभा में, कार्यपालिका इसे लागू करवाती है इस विधेयक को, और जो न्यायपालिका है इसके हनन को लेकर, इसके उल्लंघन को लेकर न्याय करती है। अगर आप इसका हनन करते हैं तो आपको सजा वगैरह के भुगतान करना पड़ता है, वो न्यायपालिका द्वारा करती है, न्यायपालिका करती है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं, अगर आपको समझ में आया हो तो अगला स्टेप जो होगा हमारा राष्ट्रपति पर होगा, राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम विधानमंडल के बारे में पढ़ेंगे। यह सारे टॉपिक पढ़ने के बाद हम सीधे आएंगे सामाजिक अध्ययन पे, मतलब कि अपने इतिहास वाले पोर्शन पर। बस पढ़ते रहिए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप शेयर करिए, सुबह वाला जो क्लास हुआ था मैथ का उसको भी आप देखेंगे। धन्यवाद।